और अगर ए मिल्क शेक तुसा सहरी च गिलास पी किन्ने होता मैं तुसा किश यकीन आखी सकनी कि पूरा दिन तुसा की भूख नहीं लगनी, एनर्जी फील करसो और जरा बंदा थका थका या एनर्जी लो फील करना ना उसरा बिल्कुल भी महसूस नहीं होने ला। वी गोना से वी डिड नॉट लाइक द प्रोडक्ट। तो हूँ मैं ऑर्डर किए असन समोसे एक लेडी बनानी है बड़े जबरदस्त किस्म ने चिकन समोसे ऑर्डर किए असन तो वो पिक करने वास्ते चलने तो तुसा की पहले नाल ही खड़ने हैं। पहले पानी ना बंदोबस्त करने हैं फिर असा लाने हैं क्यारी तो फिर तुसा की दसा गर्मिया जबरदस्त किस्म दियाँ सब्जियां तो फ्रूट मेरे गार्डन च। राजा जी थोड़ी इफ्तारी रेडी? बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे ने? उम्मीद करनी ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला सो सबा के अपने जमान च रखा है और अल्लाह ताला इस रमजान ने सद किया सानिया सारे गुनाह माफ करा है और अल्लाह ताला सानिया बातें कबूल फरमाए और अल्लाह ताला असा की ज्यादा तो ज्यादा अच्छे काम और नेकी ने काम करने की हिदायत है। तो शुरू करने आज ने वीडियो, आज मैं तुम्हारे एक रमजान स्पेशल मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर सा। उस तो बाद गार्डन ने बेड़ा प्रेशर वाशर नाल वाश कर सा और एक वाटर टैंक में ऑर्डर किया सी वो भी आई गया डिलीवरी आई है तो उसकी भी जोड़ सा तो उसकी भी तुम दसा वे वो कैसने काम ऐसी। तो चलो फिर शुरू करने आज ने वीडियो। तो इतना मैं प्याले विच सारी ने टाइम एक हैंडफुल बदामा ना और पांच अदद बड़े साइज दी जो खजूर होनी उन्होंने गुटियां कड़ी के इन्हें कि सेड़ी छोड़ा सी ये पानी विच। ते हुण इसना कि बस इन्हें कि बस जगह विच गिलास एक पाई छोड़ सा दूध और इसकी ब्लेंड करी के सा। सब तो पहले देचकी रखी है गैसा पर, गैस ऑन करके इंसान दूध बाइक इंसान इसने तकरीबन एक लीटर या जितने ग्लास तो सब बनाना है उतना एक बाइक नौ अंदाजे ना इतना बहुत सी असनी फैमिली वास्ते एक लीटर तो थोड़ा जा ज्यादा लगना है। दूध की वाली इसने लिया है तो हूँ इसने बाई छोड़ सा मिक्सचर जोड़ा ब्लेंड किया है। ये मिल्क शेक सो बनाई के पीसो ना ताक सो बस जी जन्नत ना कोई मशरूबात ही पीनी पिया क्योंकि इतना टेस्टी टेस्टी होने ने नाल नाल हेल्थी भी बहुत ज्यादा वैसे होता कि सकते इसने विच खजूर आने इसने विच बादाम आने इसने विच दूध है और एंड पर इसने विच बस छिया सीड्स ते ए भी मैं अंगाल थोड़ा जब है करना दूधा ना ते ए भी कड़ी किनी माल कताल बस हूँ जी मीडियम अग्गी पर पकने वास्ते रख सा और मिक्स नाल ही करने रह सा क्योंकि अगर मिक्स ना किया तो थले लगी जैसी जड़ा थिकनेस ना इसने वो नीचे बेह जैसी बादाम तो खजूर ना पेस्ट जा तो फिर ये जड़ा ना टेस्ट खराब हो जैसी। मीडियम गैस है पर इसी तकरीबन 10-15 मिनट पकाने रह सा चमचा चलाने रह सा इस तरह। इधर तुम तक सकने जी मिल्क पकी पकी है कितना गाढ़ा कितना क्रीमी कितना मज़ेदार हो गया वह हूँ इसने बस छिया सीड 2 टेबल स्पून चेड़ के रखे हुए स ये फुली गए एक्स्ट्रा पानी ना चोड़ी छोड़ा सी ते ये हूँ बाई के ना तो पका सा मजीद 5 मिनट गैस फिर बंद करी छोड़ सा रूम टेम्परेचर पर जलाए सी तो उसी फिर बाई के फ्रिज च रख सा जब तक अफतारी ना टाइम होना ये ठंडा हो जाए फिर असा अपने गार्डन ना कम शम नबेड़िए सा। अफतारी ना फूड जरा बच्चों वास्ते बनते हैं वह लजानिया ना पूरा ट्रे बनते हैं टिके वह उस तो बाद फ्रीजर च स्प्रिंग रोल भी हैं कबाब भी बनते फ्रीज हो वो फिर जरा ना बनाई कि इंसान जिसल अवतारी ना घंटा करे जैसी वो माड़ी बेटी फ्राई करी कि बाकी जरा वह माड़ी अवतारी उसी कम्मे पर तुसा कि मैं शामिल कर सा अपनी अवतारी ने इंशाल्लाह। गैस बंद करी छड़िया हूँ पानी में माड़ा ख्याल है रखा इसकी ताजे जल्दी ठंडा होवे और जल्दी जरा ना इसकी फ्रिज रखा सही यख ठंडा उसी ना शामी फिर बहुत मजा देसी। और अगर तुम ज्यादा मीठा पसंद करने हो तो इसी पकानी है थोड़ी जी चीनी पाई सकने हो या ये ठंडा होवे तो फिर इसी रूफ सा भी मिक्स करी सकने हो। तो मैं चीनी को नहीं पाई तो ना कुछ भी पाया क्योंकि खजूर जड़िया बहुत ही मजेदार सही मोटिया मोटिया मीठिया मीठिया सही पूरा जहा मिठा उसी इसने इस वक्त। और अगर ये मिल्क शेक तुसा सहरी च गिलास पी किन्ने होता है मैं तुसा किश यकीन आखी सकनी कि पूरा दिन तुसा की भूख नहीं लगनी एनर्जी फील करसो और जरा बंदा थका थका या एनर्जी लो फील करना ना उसका बिल्कुल भी महसूस नहीं होने ला।
अफतारी भी तो जरूरी पीना चाहिए, लेकिन सैरी भी अगर एक गिलास बंदा पीना है तो चिया सीड नाले उसी के प्यास नहीं लगने लिए, और जरा बंदे की दिहाड़ी एसिडिटी फील होनी है या प्यास या मुंह सुखना हो तो चिया सीड ने भी जरा ना उस पानी अब्जॉर्ब किया होना काफ़ी ज्यादा, और फिर आस्ता आस्ता रिलीज करना रहना और फिर पूरी दिहाड़ी जरा ना हाइड्रेटेड रखना है। तो यही माड़ी अज मिल्क शेक की रेसिपी, ठंडा उसी जिसलै तो उस में जी दुद्ध वाली बोतल खाली हुई सही ना इसने बिच बह के फिर रखा, अगर जग्गे च रखा तो बच्चे ने पुट्ठा करी छोड़ा तो इसी जरा ना ठंडा हो रही बोतल बह के फ्रिज रखी जा सकता फिर पी के इंसान। ऐसा है जी वाटर कलेक्टर ड्रम, जरा पानी बारिश ना पानी है ना उसकी कलेक्ट कर सी उसनी स्टोरी है, और इसी के पिछले साल असा सब्जियां लाइया सन तो पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने रहे और बिल बहुत ज्यादा आया सी असाना, जिहड़ा असाना नॉर्मल बिल है ना उस तो 200 एक्स्ट्रा आया सी, तो मैं आख्या वे सब्जियां जिहड़ियां ने बहुत ही महंगियां पईयां ने, तोरियां शोरियां जिहड़ियां स्ट्रॉबेरियां स्ट्रॉबेरियां ये 200 पौंड ने पई गईयां असां की, तो फिर ये रहने वाला पानी जिहड़ा कलैक्ट कर सी इसी जोड़ना पे सी, जिहड़ा मैं तकिया सी ऑनलाइन तो मैं समझिया सी भई ये पूरा एक ही ड्रम होना वा, लेकिन ये तो पीसा विच आया वा, ये तो मसला गड़बड़ हो गया इसकी हुण जोड़ना पैना अज, तो फिर इसी सैट करके रखने आ। नूरी भी आ गई है जी हैल्प करने वास्ते, ड्रम जुड़ना शुरू हो गया वै हूँ तकने जाओ तुसी के काम होना किस तरह वै, दो मकैनिक बुलाए ना विकी हो जासी अज जुड़ी जासी बुक तक ना नाल असा की बुक भी दी है ना जी, ये जुड़ना किस तरह वै इसने नाल ए शुक्रू वगैरह भी है। नूरी जोड़ सी ए गिना आए रबड़ जी है इतने ज्यादा लाना कुटा ए ज्यादा का लानी है बुक तकने आ ए ज्यादा लाने नाल बुक अंदर बार होती या बार बार होती रबड़ रबड़ जड़ी है ओ उसी ने बार अंदर बार अंदर ऐदा ओ या तुसा की ज्यादा पता मान लो ए अंदर रखो ना फिर ए अंदर रखो मैं तो नहीं पता मैं तो नहीं पता या बड़ा वाला अंदर है ना निक्का वाला बाहर है बड़ा वाला अंदर है या अच्छा जी ए ओ बिट है जिथे टूटी लग सी ए बेस है पहले जो नीचे वाला पार्ट है जड़ा ऐदा ਉੱਠੀ ਚੁੜੀ ਚੰਨੀ ਆ ਉੱਠੀ ਚੰਨੀ ਆ ਸੱਜਾ ਖੁੱਲੀ ਆ ਅਲਾ ਚਾਹੀ ਛੋੜੋ ਸਰਾਂ ਉਹ ਲਾਸਾ ਨਾ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਬੜ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਐ ਬਣਾਈ ਛੋੜੋ ਆਰ ਨਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਰਹੇ ਉਸ ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਰ ਕੈਸੀ ਲਚਾਰ ਪਿਆ अच्छा जी असा इसी फिक्स करने से पे तो यह फिक्स नहीं होना पाया, जी रबड़ जी है ना ये बार बार ले जानी है तो उन पता ये लगना कि लीक भी कर सी क्योंकि पानी सो की पता वो अपना रास्ता था बनाई के छोड़ना वे, तो ये जरा ना ये कोई चीज़ नहीं पसंद आई असा कि वापस पैक कर लिया और रिटर्न कर सा, तो फिर मैं सोके अपडेट दसा कि रिटर्न होया कि नहीं रिफंड होया कि नहीं, क्योंकि ये जरा ना पूरा वन पीस होना ना वो किन्ना पे सी हूँ भी इनके किन्ने या कुछ किन्ने ये बाद हूँ तकने ये वापस पैक करो जी। We gonna say we did not like the product. अगर चीज पसंद ना आए तो हम वापस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देनी से जे भी फिटाया अच्छा जी, इस वक्त असा बेड़ा धोने का प्लान भी कैंसिल करी छोड़िया, उसका रीजन यह है कि धुप्प तो बड़ी सोहनी अंदरू दिसनी सी लेकिन सर्दी लगी है, जिसलै ड्रम जोड़ने सा तो आटे ठंडे ठार हो गए, असा क्या अजे थोड़ी जी मौसम चेंज होना और फिर बेड़ा धोना शुरू कर सा,
क्योंकि जिसले पानी पेड़ा ना प्रेशर वाशर ना बॉडी पर पैरों पर लत्तों पर तो फिर बहुत ही ज्यादा सर्दी लगनी है। तो हूँ मैं ऑर्डर किए असन समोसे एक लेडी बनानी है बड़े जबरदस्त किस्म ने चिकन समोसे ऑर्डर किए असन तो वह पिकड़ने वास्ते चलने तो तुसा की पहले नाल ही खड़ने नूरी रोजा रखे कौन ही रखे ओ नो हूँ बिग गर्ल लगी है नूरी रोजा रखे ना रख से चिड़ी रोजा रखा तू की या चिड़ी रोजा रख रहे हैं चलो केड़े दड़ा रख से वीकेंड पर अच्छा नूरी जी दड़ा कारो सी उसी चिड़ी रोजा रखा सा जी तकनी कितने बजे जी हाँ रोजा रखी सकनी है 12 जी है तो मैं छपना रखी रख सी क्योंकि वीकेंड पर वैसे ही चिरकी उठनी है तो चिरकी खानी है हैं नूरी ने रोजा खाया कर सा ठीक है ओके ओके। इस टाइम असं पहुंची हैं उस रोड पर जित्थों असं समोसे कलैक्ट करने तो जाके पुछनी है किधर माड़े किसा की देई ना छोड़े वड़ने क्योंकि उन्हें मिगी कल शामी ना आया सी भाई चाहिए तो कल माड़े को अच्छन कोनी होया मैं कम्मे पर ले गई सा तो हूँ मैं जाके पुछनी हाँ कि बाजी समोसे बनाए ने कि कोनी स्प्रिंग रोल कि नहीं कहते मैं आई हाँ घर समोसे मैं ऑर्डर किए असन तो उन्होंने कुछ अगर देई छोड़े क्योंकि मैं कल गई कौन सा तो मैं सोच दसनी हाँ स्प्रिंग रोल इन्होंने मिगी बहुत ज्यादा मजे ने लगने ने क्योंकि चिकन ना बहुत ज्यादा मजे ना टेस्ट आना ने ये देखे इतने मजे के लग रहे तो इन्हें जी फीलिंग है ना बाजी और बहुत मजे की बनाई भी होनी है तो मैं तो वास्ते इन्होंने को ऑर्डर करनी होनी कोई इच्छा नहीं होनी नाइसली पुजे होना कीमा तो यह हूँ फ्रीजर च रख सा आई गई असं कि नहीं कह तो यह जो मिल्क है ये मैं जानी फ्रिजर रखी जा और याद ही कोई रही इतने पिया रहा पानिया पे आया ठंडा हो गया तो क्या करने हैं इस तरह लाज ये करने हैं इसी बस उस जगह बिच जिसने बिच असा इसी ब्लेंड किया तुसें मिल्क शेक बनाए के एक दफा पीना वै और मिगी बाना वै कि तुसें कि किया जा फील होया बोतल बाने वास्ते इजी हो गया ना ये देखें जी मिल्क शेक माड़े बच्चे हो गया रेडी इसी में रखनी है फ्रिजा बिच अच्छा जी हूँ राजा और राणे ने भाई आई जाए जुला बी एन क्यू और ड्रम तक वो ही पानी वाला जरा असुआ वापस करना ना वो मैं मैसेज करी छुड़िया वै ऑनलाइन जरा रिटर्न करना वै तो वह हूँ लेबल प्रिंट हो सी ना तो फिर जाइए असं रिटर्न कर सी रिटर्न लेकिन पैसे लगी जा सन थोड़े जोड़े चलो ऑनलाइन ना रिस्क ही होना वै हूँ जुलने बीन की उत्थे जाके दसने तुम कि कोई ड्रम लभना या नहीं कितने लग गया वै तो किस तरह ना वै लेट्स गो नूरी भी बीन की जुलसी तो ग्लासेस लैके तो बड़ी स्मार्ट गर्ल लगनी पी है कि स्मार्ट बॉय लगनी पी है क्योंकि बॉयज वाली ग्लासेस ये देखें जी माशाल्लाह से कितने खूबसूरत प्लांट हैं ये इनडोर वाले प्लांट हैं जेडे बीन की उन्हें अंदर टिके हुए ये सब आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन हुआ हुआ एक गार्डन ये मनी प्लांट है इतने इतने सोने लगने तो जिला घर खड़ो तो माड़े बेचारे की कोई हालत ही नहीं रही आ इस तरह करना पैना वै तो किस तरह मेटल नहीं चाली लाइक है इसी उपर कि एडा सोहना लगना पे ये मनी प्लांट न बड़े बड़े ये कोई 50-60 पौंड ना उसी मैं तकनी हाँ जी ना 75 पौंड ना है बेशुमार किस्म बारबेक्यू ग्रिल्स आई ने बड़ी हवा या छोटी हवा हर स्टाइल नहीं गैस वाली हवा या कोयले वाली हवा लभ जा से इतों ये देखें जी का कटने वाली मशीन पसंद करो सोनी जी असानी खराब हो गई है ये तो कड़ी सुनी है ये वाली पसंद आ गई है मिगी पीली वाली 400 ओ माई गुडनेस प्राइस इज टू मच 459 That's really expensive. नूरी नूरी मार चोली बेसी ये वाली पसंद करनी पिया मैं एक घा कटने वाली मशीन एक घा कटने वाला ट्रक है मिगी ये पसंद आई है अपना गार्डन वैसे ही बड़ा वै ते इयां भाई कहते फिर सां कट छोड़ सी का
नूरी ये पसंद है? 2359 पाउंड्स ओनली, बट है कमाल दी चीज है। या नूरी की रिगन सी ना। इस टाइम जरा आउटडोर गार्डन है उत्थे असां पहुंचे आया तां मिकी ये बहुत ही खूबसूरत लगने जेडे कंट्रास्ट च होणे। मैं इयां इना की तकी के आखनी है कि अल्लाह ताला ने शान तको मिडल च और कलर्स बार और एक फुल है ते दो कलर च भी कंट्रास्ट च पर्पल एंड येलो। वाह जी वाह, अल्लाह तेरी शान नराली। मिकी कंट्रास्ट वाले बहुत ज्यादा प्रीटी लगने ने। ये भी येलो, ये भी डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, येलो एंड पर्पल। वाह जी वाह, कमाल हो गया। तो ये आई ने थोड़ी थोड़ी सब्जियां उनाशना शुरू हो गई आस्ता आस्ता, ये उन्हें लाई होनी ना कुछ शड शुड बनाए भी होने उत्थे लाई होनी ने तो फिर इतना आनी के सेल करने दे। तो काफ़ी ज्यादा ऐसा इंशाल्लाह वेरी सून। अजय तो मार्च है ना, अप्रैल सही तरीके इतने सब्जियां ऐसा तो फिर मैं भी इतना प्लांट खड़नी होनी सब्जियां ने। असा की लग गया जे वाटर टैंक तो ए सो तक सकने और 210 लीटर ना वे तो ए भी सस्ता वे तो ए भी चंगा वे तो ए भी ऑल इन वन है। ऑनलाइन जी चीज़ा कि दफा धोखा ही हो जाना वे तो वह है भी महंगा मिले से मिकी तो ए भी जो जोड़ने ना भी झंझट सी तो बाद लीक होने ना भी खतरा सी। तो मैं अच्छा फैसला किया कि वापस करी दे सा। तो धुप्प तो बड़ी सोहनी चढ़ी हुई है लेकिन वाह भी है बहुत ठंडी। तो ये हूँ चाहे हैं तो जुलने घर पहले पानी ने बंदोबस्त करने फिर असं लाने क्यारी तो फिर तुसा की दसा गर्मियों में जबरदस्त किस्म दिया सब्जियां तो फ्रूट मेरे गार्डन। अच्छा जी ये वाला भी है, ये है 210 लीटर वाला, ये 300 तो ये वड्डा वे तो ये सने ये सही कि ना क्योंकि गार्डन साढ़ा बड़ा वे तो बंदा बेड़ा शेड़ा भी सैन आई धोई कि वे तो ज्यादा ध्याड़े बारिश ना लावे तो मसला भी ना होवे है ना नूरी। तो नूरी गाउन लाइके तो आई की असल नाल ही सर्दी लगी हुई सुन तो बाल कुछ जाने पे ये वाला हमने लेना है आज। ये है 65 पाउंड का लगा हुआ, ये देखें आप, और ये है 43 पाउंड का। तो ये छोटा वाला है और ये ज्यादा बड़ा है। अच्छा जी टैंक चे के अंदर इसने पे इतो गुजरने सा रोलर पर हमारी नजर पे गई था, पेंट वगैरह इधर टिक गया सारा। तो मैं क्या जड़ियाँ गार्डन या वॉल्स हैं ना उन्हें की पेंट करने जवा तो ये रोलर चाहिए ना तो ट्रे हर साल असा कि नवा किन्ना पैना वा असं सटी छोड़ने तो इक सही तरीके ना रखा तो यूज हो सकना दोबारा। ये 6 पौंडा ना वे 10 पौंडा ना भी आवे तो असा तो गार्डन च मारना रफ जहा तो ये ठीक है माड़े ख्याल में। नूरी आनी इतना कोई चीज़ तकी है कोई पोर्ट तकिया वास्ते पसंद आई है? ओ माई गार्ड निका जहा समोल बेबी जहा प्रीटी जहा पिंक वाला शो मी। ये तक प्लांट पूरी का पूरा ऊपर चिकन ए पिए ते फट टेप पे सी बज जा सी ना ए पसंद दी किन से ओए हाय ए निका जावे ते पिंक के ते तो पसंद है ते 4 पौंड ना है इसी क्या कर से डेकोरेशन ए इज रियल प्लांट डोंट पुश इट डाउन इट्स नॉट प्लास्टिक पसंद है 4 पौंड्स किने किना श्योर है? चलो जी नूरी ये वाला प्लांट पसंद किया जी फ्लावर पॉट पिंक है सोचते प्रीटी प्रीटी बनाए भी होने बच्चे तक तो बच्चे की पसंद आई जाने। प्रोडक्ट नॉट फाउंड आस्किंग प्रोडक्ट नॉट फाउंड वेट अच्छा जी जिस वक्त असा टिले को पहुंचे तो उल्ले नूरी की याद आई है मेरे को प्लांट तकिया सी तो उस फिर पीछे ले गया नूरी असा फिर ओ चूज किया फिर प्राइस लाई है फिर आया तो राजा और टैंक ही निकल गड्डी च रखिया सी ने ए टोटल कितने ना बनता है 109 पाउंड ना बनता जी स्टैंड जेड़ा ना उसने उसने सेपरेट प्राइस सी और जो टैंक है उसने सेपरेट प्राइस सी तो हूं मी नहीं पता इसी नेरी करनी करनी उसने इसी पूरा पर नहीं छोड़ सा या क्या कर सा ये हूँ तुसा की नेरी करनी दसा तरीका किसा करीना। ये देखे जी असने रोडा ने कितनी खूबसूरत रौनक बनतियां वाइट कलर ने चेरी ब्लासम ने ट्रीज खिलियां राहत ही खूबसूरत लगनिया पियान और आसमान सो तक सकने नीला नीला और चढ़ भी है चंद दिख लेकिन धुप बड़ी मजे नहीं है स्पेशली गड्डी विच बहुत मजे नहीं लगनी पी है। हूँ अस अपनी रोड तक पहुंच आए हैं तो ये जी ट्रीज ने ना इसने नाल पिंक निकल सने कुछ दिनों बाद ये भी बहुत ही प्यारे लग सन प्रीटी प्रीटी लग सन ये अगे भी सारिया वो ट्रीज बहुत ज्यादा न सनी रोड पर और बहुत ही रौनकी जा
एरिया वाइज खूबसूरत जा। ना पुत्र ईट नहीं करी ना। ए बेबी एल बरा आंदा सा ए बेबी एल बरा वना ओ खोलो दी गुड मार के हुन चल आ गया जी ड्रम साडा आ गया वे एसी हुन सेट करना वे एसी टूटी लानी है ये जरा पाए पहले इसी हॉल करना पैसी हूँ टाइम हो गया वे राजे और अफतारी बनाने ना और पैक करने ना मैं कैसी कबाब बनानी है तो स्प्रिंग रोल दाने सन कबाब ना बनाया हाली स्प्रिंग रोल बनाई छोड़ क्योंकि कबाब खाई के बोर हो गया तो फ्रूट बस हाँ खजूर बस हाँ मिल्क शेक बस हाँ और नाल और की पास हाँ देखते जाओ ये इधर ऑयल गर्म हो गया है स्प्रिंग रोल थोड़े जब बाई छोड़ जितनी देरी चो फ्राई होने इतनी देरी में फ्रूट कटिकनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फोक नाल खाने वाला कट सा छोटा छोटा गड्डी च बैठे आसानी नाल खान जाए इसने च पाया हुआ एप्पल और अंगूर और मेलन लाए रहमान रहीम फ्रूट बछड़ा डब्बे बिच खजूर में बिच बछड़ी फ्रूट वाला डब्बा तो हो गया रेडी राजू रानी इफ्तारी होगी जी रेडी मिल्क शेक भी पैक करके नहीं है ऐसा है जी मिल्क शेक जो फ्रिजर रखे से ही इसी शेक वेल करके ना यूज करना है अगर जगह भी चाहता है चमचा मार के मिक्स करके ना और बोतल भी चाहता है शेक करके क्योंकि चिया सीड नीचे बैठ जाने चिया सीड जो फिर इक्वल नहीं जान ले सारे यानी ग्लास है विच नीचे बैठे रहे सन ये देखें जी वेरी हेल्थी डिलीशियस मिल्क शेक ये भी नाली बाई छोड़ सा राजा जी थोड़ी इफ्तारी रेडी नूरी रोजा खोल सी नूरी कार रोजा खोल सी रखिया कौन इस खोल सी तो सही ना हाँ गड्डी को ब्लॉक करी गया पुलिस की कॉल करो नूरी हेल्प करनी है जी डोरा नो करनी पिया पड़ोसिया नहीं कि पता लगे गड्डी कुछ नहीं है गड्डी ऐसा नहीं कोई ब्लॉक करी गया ड्राइवे इतना बहुत ज्यादा मुसीबत है कि ड्राइवे सारे ने अपने अपने बनते हुए लेकिन फिर भी अगर गड्डी खिलाई जाने लभी गया जी बंदा जिसने गड्डी सी ऐ हुन जाई रहा वा पड़ोसियों ने कार मामाना आए सन अगर डोर करके बाई छोड़ो ना कि असा इस घर जुले हाँ तो असा की प्रॉब्लम ना होवे असा सारे डोरों ना नौकरनियां पवन ताफेस ऐ तो को जी राजा और जाई रहे कमे पर अपनी इफ्तारी नाल जो लिया रहे मैं अपने कमे पर इफ्तारी कर सा बच्चे अपने घर कर सन ऐ जे सारी परदेसियां ने जिंदगी की असा कट्ठे बह के इफ्तारी भी ना करी सकने जिधर मैं घर होनी है उधर भी स्टिल कमे पर होने चलो जी हूँ हो गया माड़ी ड्यूटी ना टाइम वर्दी शर्दी में चेंज करी आई हाँ तो जुलनी है कमे पर तो तुम भी नाल ही कर सा अफतारी ने टाइम इतना कि हूँ मैं मिल सा क्योंकि मेक लाइन पर तो मैं वीडियो बनाई नहीं सकनी उतना तो मैं पिज्जा शिज्जा बना सा तो चलो फिर आई जी माड़े नाल ये पूरा एरिया नवा बनता हुआ
ਸਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਰੋਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਣੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵੀ ਚੋਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਡ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੋਡਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾਈਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਵੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਵਿਲੇਜ ਟਾਈਪ ਨਾ ਲੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੜਾਕਿਆਂ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕੀ ਘੰਟਾ ਹੈਗੀ ਰਹੀ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਪਈ ਹੈ ਦਿਹਾੜ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਸਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਹਾਏ 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 ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਲਿਕਰਨਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਕਾਂ ਬਲਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਵਾ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਧਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਕਾ ਉਸ ਉਹ ਹੈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਰੂਫ ਜ਼ਾਵੀ ਹੈ ਕਾਵੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਰਿਆਨੀ ਹੈ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਐਗ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ ਐਗ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਅਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੈਸ ਬਣਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਵੀਡੀਓ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਟੇਕ ਵੇ ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਚਿਕਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਗ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਆਈ ਹੈ ਬਲਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰੂੰ ਬਲਾਲ ਬਾਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਡੋਮਨੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਫ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋਨੀ ਅਫਤਾਰੀ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ